दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको डॉली चाय वाले के बारे में बताएंगे और उनकी पूरी कहानी से रूबरू कराएंगे। भारत में रहने वाला शायद ही कोई शख्स ऐसा होगा जिसे चाय की तलब न हो। यही वजह है कि आप भारत के किसी भी गली नुक्कड़ में जाएंगे तो आपको एक चाय की दुकान जरूर मिल जाएगी। चाय से भी ज्यादा देखा जाए तो हमारे भारत में इसे बेचने वाले मशहूर होते जा रहे हैं। आज के समय में देखा जाए तो कई अलग अलग अंदाज में लोग चाय बेच रहे हैं, जिस कारण वो काफी ज्यादा लोकप्रिय हो चुके हैं। और बात अगर चाय की हो और डॉली चाय वाले का जिक्र ना हो तो फिर ये उनके साथ भेदभाव हो जाएगा। जो आज चाय बेचकर बिल गेट्स और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी हस्तियों के साथ मुलाकात कर चुके हैं। आइए आज हम आपको डॉली चाय वाले के बारे में सारी जानकारी देने जा रहे हैं। मशहूर डॉली चाय वाले के रूप में जिसे आज हम सभी जानते हैं, उनका असली नाम सुनील पाटिल है, जो महाराष्ट्र नागपुर के रहने वाले हैं। 1998 में जन्मे सुनील एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, जो रोज सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक चाय बेचते हैं और उनके एक कप चाय की कीमत 7 रुपए से शुरू है। एक दिन में वो लगभग 500 से भी ज्यादा कप चाय बेच लेते हैं। हम जिस डॉली चाय वाले के बारे में बता रहे हैं, वह बड़े ही खास अंदाज में अपनी चाय बनाने के लिए जाने जाते हैं। सोशल मीडिया पर आए दिन उनका कोई ना कोई वीडियो जरूर वायरल होता है, जिसमें वो बड़े ही अतरंगी अंदाज में लोगों को चाय पिलाते हैं। यही वजह है कि नागपुर में डॉली चाय वाले की एक बहुत अलग पहचान है। पर आप ये बात शायद नहीं जानते होंगे कि डॉली चाय वाले ने 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ दी। पिछले 16 साल से वो सिविल लाइन नागपुर के पास चाय की दुकान चला रहे हैं। आज वो इतने ज्यादा फेमस हो गए हैं कि दूर दूर से लोग उनके यहाँ केवल चाय पीने जाते हैं। इतना ही नहीं, बॉलीवुड की कई सेलिब्रिटी भी उनके इस खास अंदाज से इतनी ज्यादा प्रभावित है कि उनकी टपरी पर आ चुके हैं, जिसमें निमरत कौर का नाम शामिल है। इसके अलावा कई बड़े बड़े नेता भी उनसे मिलने आ चुके हैं। पर जब उन्होंने बिल गेट्स को चाय पिलाई तो ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। डॉली अपनी टपरी पर ग्राहकों को रजनीकांत की स्टाइल में चाय पिलाते हैं। इसके अलावा वो अपने ग्राहकों का वेलकम भी बड़े खास अंदाज में करते हैं। आप डॉली चाय वाले को देखेंगे तो उनकी अलग हेयर स्टाइल, कपड़े पहनने का तरीका और चाय बनाने का अंदाज आपको इतना पसंद आएगा कि आप उनके दीवाने हो जाएंगे। शायद यही वजह है कि वो रातों रात वायरल हो गए और आज नतीजा ये है कि इंस्टाग्राम पर उनके 1 मिलियन से भी ज्यादा फॉलोअर हैं। यूट्यूब पर उनका खुद का चैनल है जिस पर उनके काफी सब्सक्राइबर हैं। दरअसल इस चाय वाले को प्रसिद्धि दिलाने के पीछे कोई सोची समझी रणनीति नहीं थी। कह सकते हैं कि ये एक संयोग था, जिन्हें लोग आज प्यार से डॉली भाई कहते हैं। मौजूदा समय में देखा जाए तो उनकी कुल संपत्ति 10 लाख रुपए के आंकड़े को पार कर चुकी है। हर दिन वो अपनी चाय से लगभग 4,500 रुपए तक कमा लेते हैं, जो इसी चाय को बेचने के साथ आज बेहद ही रॉयल लाइफ जी रहे हैं, जिनकी शायद ही कभी उन्होंने उम्मीद भी की थी। ऐसी और जानकारी के लिए देखते रहे अच्छा जी.com।